बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम चैप्टर हीट के अंदर एक्सपेंशन ऑफ गैसेस देखेंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि जब हम कोई सॉलिड को हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई इसका साइज बढ़ जाता है, सही है ना। और इसको हमें समझने के लिए हमने क्या कहा था कि हर जो भी चीज़ें होती हैं दुनिया में, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स या जो भी आप समझ लें एटम्स वगैरह से मिलके बनते हैं, और ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जब हम इनको हीट करते हैं तो क्या इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्या मूव करते हैं, और इस मूव करने और हिलने जुलने की वजह से जब ये सब हिलते जुलते हैं तो उससे क्या होता है, इनका साइज तो ओवरऑल इस बार का साइज जो है ये बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो हमारे पास गैस होती है, ठीक है ना, ये गैस जो होती है मेरे भाई, जब ये गैस जो है हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो अब यहाँ कई किस्म के रिलेशनशिप्स हैं जो हमें देखने हैं कि आया कि अगर हम मिसाल के तौर पर अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट करें, यानी अगर टेम्परेचर ना चेंज करें, सही, अगर टेम्परेचर ना चेंज करें और क्या करें, वॉल्यूम को बढ़ाएं, वॉल्यूम को बढ़ाएं तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, हम सिमुलेटर में देखते हैं कि एक्चुअली होगा क्या। आइए मिसाल देखते हैं, क्योंकि मिसाल से बात समझ में आती है। ये मिसाल हमने फैट सिमुलेटर से ली है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने फ्री हमें टेस्ट करने के लिए दिए हैं। यहाँ आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च करें तो आपको ये आराम से मिल जाएंगे। आइए हम देखते हैं कि हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, हम कॉन्स्टेंट कर देते हैं और देखते हैं कि ये हमारा यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है, सही है, ये हमारा प्रेशर हो गया, ठीक है। और ये हमारा एक कंटेनर है जिसके अंदर हम गैस डालेंगे अपनी। आइए आप जरा गैस पंप करते हैं। ओ डिंग 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 डिंग, यार ये गैस पंप नहीं हो रही है, आई डोंट नो क्या मसला हो गया, चेक करते हैं, दो मिनट ठहरो, रीसेट करते हैं और ये अब दोबारा ट्राई करते हैं। टिंग 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 टिंग, हजरत ये तो लग रहा है कोई प्रॉब्लम हो गई है, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। और ये हमारी गैस निकलना शुरू हो गई। ओ मैन, सही है जी, गैस हो रही है, बहुत ज्यादा गैस हो गई है, ठीक है। और ये मतलब बहुत ज्यादा हो गई है ये गैस, आइए जरा इस गैस को थोड़ी निकाल देते हैं, कि बहुत ज्यादा गैस हो जाए तो आपको पता है प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो हम इधर इस गैस को निकाल देते हैं, थोड़ी बहुत ज्यादा गैस हो गई है, और ये थोड़ी गैस कम हो रही है, मॉलिक्यूल्स गैस के क्या बाहर जा रहे हैं इस कंटेनर से, और ये थोड़ा प्रेशर भी नीचे आया है, क्योंकि क्या जैसे हमने गैस कम की क्या हुआ, और ये हमने बंद कर दिया भाई, और ये भी बहुत ज्यादा है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर को हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, सही। अब मैं क्या करता हूँ, चलो इसको थोड़ी सी गैस और रिलीज कर देता हूँ। अच्छा ये जब मैं गैस रिलीज कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्चुअली टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ये हमारा सिस्टम बहुत ही स्मार्ट है। अच्छा अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, इसका टेम्परेचर को मेंटेन हो रहा है और ये दोबारा 300 पे आ जाएगा, तकरीबन 300 पे आ गया, कांस्टेंट हो गया। हम ये देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारे पास प्रेशर है। अच्छा अब मैं आप क्या कह रहे थे, हम अपनी इससे थोड़े से पहले हम एक बात हम कर रहे थे कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम को कम करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, ये गैस की प्रॉपर्टी है। क्यों, अब मैं देखें, मैं वॉल्यूम को कम कर रहा हूं, जब मैं वॉल्यूम कम कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, देखें आप, सही है, प्रेशर क्या है, प्रेशर बढ़ गया है, प्रेशर तो वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ गया। क्यों प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि देखेंगे ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये अब आपस में बहुत जोर से कोलाइड कर रहे हैं, और ये ज्यादा जो है जाके टकरा रहे हैं ये कंटेनर की वॉल से, जिससे क्या हो रहा है, प्रेशर बन रहा है। तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। अब आइए अब जरा
इसको देखते हैं कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। यही जो है हमारे बॉयज लॉ, यही लॉ है। बॉयज लॉ क्या कहता है, बॉयज लॉ कहता है फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस वॉल्यूम वी एंड प्रेशर पी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर प्रोवाइड द टेम्परेचर डज नॉट चेंज। यानी कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। आइए अब इसको जरा हम रिलेशनशिप को लिख भी लेते हैं, जरा देख लेते। आइए अब इस प्रिंसिपल को हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या कहता है। जब भी हमने अपनी सिमुलेशन में देखा क्या था कि हमारे पास वॉल्यूम जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। यानी जब वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम होता है, ठीक है। उसी तरीके से वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी हम इस रिलेशनशिप को हटाते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें यहाँ के कॉन्स्टेंट लिखना पड़ता है। तो ये हमारे पास ये हो गया, तो हम इसको ये कह सकते हैं पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बॉयज लॉ खत्म करते हैं और इसमें हमने इस बात को सीखा कि वॉल्यूम जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है। इसके बाद हम अपने दूसरे लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह और हम चार्ल्स लॉ को देखेंगे।